हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक। आपको पता ही क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, उसका टाइप फिफ्थ और सॉरी टाइप फोर, वो हम डिस्कस करेंगे। अब टाइप फोर है क्या चीज है? टाइप फोर क्या है? टू फाइंड द ऑड कॉम्बिनेशन, ऑड है ना। अब मैं बताता हूं, टू फाइंड द ऑड कॉम्बिनेशन फ्रॉम अमंग अ गिवन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द गिवन सीक्वेंस। जो भी हमारे पास एक सीक्वेंस अवेलेबल, सीक्वेंस किस फॉर्म में होगी, समझ गए होंगे आप, अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में। एक पजल होगा जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में होगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे, उसका मिक्सिंग होगा, है ना। तो क्या करना है, जो सीक्वेंस गिवन है उसमें हमारे पास एक सीरीज दे रखी होगी या फिर कुछ भी एक तीन चार टर्म्स दे रखे होंगे, है ना। वो एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में होंगे अलग अलग, एक तीन चार ग्रुप में, तीन चार ग्रुप में, तीन चार, ऐसे हमारे पास गिवन होंगे कुछ। उन सभी में से उस ग्रुप में से कौन सा ऑड वन है, ऑड कॉम्बिनेशन है, कौन सा ऑड कॉम्बिनेशन है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। यही है हमारा टाइप नंबर फोर। तो आइए इस टाइप को और अच्छे से समझ लेते हैं, कैसे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके, उन्हें देखकर। तो आइए हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर वन, किसके टॉपिक, कौन से टाइप में, टाइप नंबर फोर, है ना। हमारा क्या चल रहा है, टाइप फोर चल रहा है। टाइप फोर का एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। तो देखो एग्जाम्पल में ध्यान दो, देखो एक सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, है ना, ये एक सीक्वेंस है। अब आप एक चीज नोटिस अगर आपने किया हो तो आपने देखा होगा, जब जब भी हमने अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल टॉपिक स्टार्ट किया, जब भी पहले तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था उसके फर्स्ट वीडियो में, फिर हमने टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री करते करते आज आ गए टाइप फोर पर, है ना। तो एक चीज अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री हमने किए हैं, उसके बाद अभी टाइप फाइव सॉरी टाइप फोर कर रहे हैं, तो सभी में जो सीक्वेंस है हमने सेम लिए, सभी में सेम सीक्वेंस लिए। क्यों? ताकि आपको एक, देखो ऐसा नहीं, अगर यहाँ पर सीक्वेंस चेंज होती तब भी मेथड वही लगनी है। अगर टाइप फोर में फाइंड करना है ऑड कॉम्बिनेशन, ये चार ऑप्शन इनमें से कोई ऑड कॉम्बिनेशन फाइंड करना है तो मेथड वही लगेगी, है ना, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने आपके लिए सेम सीक्वेंस रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सीक्वेंस ये कि उसी की बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं, टाइप चेंज होते जा रहे हैं, है ना। तो इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना। तो ये सीक्वेंस गिवन है। अब आज ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर, क्या लिखा है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर, मतलब जो भी हमारे पास चार ऑप्शन है, चार में से, फोर में से थ्री ऑप्शन जो है आर अलाइक, मिलते जुलते या फिर सेम बोल सकते हैं, इन द सर्टेन वे, किसी वे से, किसी रिलेशन से, बेस्ड ऑन देयर पोजिशन, उनकी पोजिशन कैसी है उसके बेसिस पर, इन द अबव अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ये वाले या फिर अबव सीक्वेंस, जो भी अबव अरेंजमेंट है या फिर जो भी अबव सीक्वेंस है उसके बेसिस पर इन सबके कुछ ना कुछ पोजिशन होंगे, है ना। एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, और वो लोग अपना अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना। विच वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखो ये चार अलग अलग ग्रुप है, है ना, ये चारों कहां से आए, इस सीक्वेंस में से आए, इस अरेंजमेंट में से आए, उनकी पोजीशन की हेल्प से या जो उनकी पोजीशन उसके हिसाब से उनका एक रिलेशन या एक ग्रुप बना है, ये अलग ग्रुप बना है। ऐसे हमको क्या फाइंड करना है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग ग्रुप है, सबसे ऑड कॉम्बिनेशन कौन सा है, है ना। तो अब आइए सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक एक स्टेप को देखो। देखो सबसे पहले क्या करो, ध्यान से देखना, सेवन हैच के देखो, तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहां लिखूं क्या लिखते हैं, सेवन हैच और मैं लिख देता हूँ के, समझ लो। अब ध्यान से देखना, अगर सेवन से मैं अगर हैच में जाता हूं तो सेवन से हैच में जाओगे तो क्या करना है, वन टू प्लस टू स्टेप ऐड करता हूं, है ना। अगर हैच से मैं के में आता हूं, अगर हैच से मैं के में आता हूं, हैच से मैं आता हूं, के कहां है, के कहां है, ये है, तो वन टू थ्री फोर, फोर स्टेप पीछे जाना पड़ रहा है, यानी यहां पर हम कर रहे हैं माइनस फोर, ऐसा कर रहे हैं इस वाले एक ग्रुप के लिए। अब आज सेकंड ग्रुप को देखते हैं, U 6 एट द रेट, ये है। तो अगर मैं U से 6 में जाऊं एंड देन 6 से एट द रेट में, सबसे पहले U से 6 में जाइए, तो U कहां पर है, U से 6 में जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, 1 2 2 करना पड़ रहा है, तो प्लस 2, 6 से एट द रेट पे आ जाओ, 6 से आना एट द रेट कहां है पहले, तो ये रहा, तो 1 2 3 4 बैक आना पड़ रहा है फोर स्टेप्स, तो माइनस फोर, समझे। अब आ जाइए नेक्स्ट ग्रुप पे, आ जाइए सी वाले ग्रुप पे, तो उसमें फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा एंड देन वाई एंड देन नाइन, है ना, यही है।
तो अब अगर मैं सबसे पहले एंड से वाई में जाऊं और वाई से नाइन में जाए, तब देखते क्या रिलेशन बन रहा है। एंड से वाई में जाइए, एंड से वाई, तो एंड क्या है सबसे पहले, तो एंड का ये रहा, एंड से वाई में जाओ तो वन एंड टू, टू स्टेप चल रहे हैं प्लस टू। वाई में आ जाइए नाइन से, वाई और नाइन ये रहा, तो वन टू थ्री फोर, अगेन फोर स्टेप्स बैकवर्ड जाना, बैक जाना है ना। तो देखो ध्यान दो, अभी तक जो जितने ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सभी में सेम रिलेशन बन रहा है। फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड जाने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड जाने के लिए प्लस टू करना पड़ रहा है, सेकंड से थर्ड एलिमेंट में आने के लिए, सेकंड से थर्ड एलिमेंट में आने के लिए माइनस फोर करना पड़ रहा है। अब आ जाइए अगर अगला भी सेम हुआ तब तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमको फाइंड द ऑड वन करना है, ऑड कौन सबसे अलग है ना। तो पहले देखते हैं और चेक तो करें पहले, फर्स्ट एलिमेंट इसका एस है, सेकंड इसका हैच, एंड फाइनली लास्ट है टू। तो आ जाइए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, अगर मैं हैच, एस से हैच में जाता हूँ, वेर इज एस, एस से जाना है हैच में, तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, वन टू थ्री, यही पता चल गया प्लस थ्री, कोई बात नहीं और चेक कर लेते हैं। हैच में से टू आ जाइए, हैच में से टू यहाँ पर है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो भी रिलेशन बन रहा है, मैंने पहले ही बताया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सभी में सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड में आने के लिए प्लस टू, सेकंड एलिमेंट से थर्ड में जाने के लिए माइनस फोर स्टेप्स, लेकिन इसमें फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए प्लस थ्री, एंड सेकंड से थर्ड में जाने के लिए माइनस सिक्स। तो जो ये वाला हमारा आंसर है, ये वाला ऑड वन है ना, तो करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हमको फाइंड करना ही ऑड वन है, समझे। तो बहुत सिंपल है, बस वही चीज है ना कि आप बस सीक्वेंस सबसे पहले तो ढंग से लिखिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाहता है, और सही स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो आज ही हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं हमारा टाइप फोर क्या है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर टू, हमारे टॉपिक या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पर जो चल रहा है उसका टाइप फोर से रिलेटेड है ना। देखो सीक्वेंस फिर से सेम है, जो क्वेश्चन है वो भी सेम है ना, क्या बोल रहा है, थ्री आउट ऑफ फोर, टोटल फोर हमारे पास ग्रुप है, उसमें से जो थ्री है वो अलाइक है, सेम है, और एक जो थोड़ा डिफरेंट वन है ना, और उसी को हमें, देखो मैं बार बार वही नहीं चीज नहीं हो, क्योंकि हम ये चीज कर चुके हैं है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल चार ग्रुप है हमारे एग्जांपल नंबर टू में है ना, चारों ग्रुप में से एक ऐसा ग्रुप है जो सभी से अलग है, सभी से हटके है, डिफरेंट वन है, ऑड वन है, वही हमें फाइंड करना है और वही हमारा होगा करेक्ट आंसर है ना। तो ठीक है स्टार्ट करते, जैसे हमने एग्जांपल वन में स्टेप्स फॉलो किए सेम स्टेप्स में फॉलो करेंगे। तो आज यही सभी एलिमेंट को मैं लिख देता हूं, एट एम E, है ना। तो 8 से M में जाने के लिए कुछ स्टेप्स लग रहे होंगे, M से E में आने के लिए, तो पहले 8 से M में देखिए, 8 सबसे पहले तो है कहाँ, 8 ये रहा और M ये रहा, 1 and 2, plus 2 लग रहा है, plus 2 लग रहा है, M से E आ जाइए, M से E आएंगे तब भी 1 and 2, plus 2 लग रहा है, बहुत सही। आ जाइए सेकंड ग्रुप देख लेते हैं, 6 G 3, ये हमारा है ना, 6G3, ठीक है। तो 6G3 देखिए, 6 का 6 ही रहा, और G में क्या, 1 2 3, G के लिए लग रहा है प्लस 3, और देन G से 3 के लिए 1 2 3, अगेन 3, प्लस 3 स्टेप्स है ना। अब तो गड़बड़ यहीं आ गई, देखो फर्स्ट ग्रुप था तो उसमें प्लस 2 प्लस 2 ऐड करो, और फिर देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ग्रुप है, तीन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड में जाने के लिए प्लस टू कर रहा है, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए भी प्लस टू कर रहा है। अब सेकंड जो ग्रुप है उसमें भी तीन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में थर्ड जाने, फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट में जाने के लिए प्लस थ्री, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए भी प्लस थ्री। तो अब देखो या तो ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो करेंगे या तो ये दोनों इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, तो हमारा या तो ए आंसर आने वाला है या तो बी आने वाला है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते। तो फिर से क्या रहेगा, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट P, सेकंड एलिमेंट E और थर्ड एलिमेंट एट द रेट। तो अगर P से मैं V में जाऊं तो P से जाइए V, P पहले तो है कहां, ये रहा, और V ये रहा, प्लस टू, प्लस टू, और V से अगर हम एट द रेट में आ जाऊं, V से एट द रेट में तो वहां भी प्लस टू, सही में आ रहा है ना आपको प्लस टू। तो इतना अब आपको थोड़ा तो क्लियर हो गया वो कहना कि हमारा आंसर बी करेक्ट होने वाला है कि वही थोड़ा, लेकिन फिर भी हमको चेक करना जरूरी है ना। अब आ जाइए ये देख लेते हैं, थ्री टी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो, यहां से और यहां से, यहां से थ्री से टी में जाएंगे, सबसे पहले थ्री का हीरा थ्री, उसमें टी में जाइए वन एंड टू, यहां पर भी प्लस टू। अब आपको कंफर्मेशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है,
टी और डाउनवर्ड एरो, टी और डाउनवर्ड एरो, वन टू, तो यहाँ पर भी प्लस टू। तब आप ही देखेंगे चार ग्रुप है, वन टू थ्री फोर, टोटल चार ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप, या फिर बोल सकते ए बी और जो डी ऑप्शन, सॉरी ए सी और जो डी ऑप्शन है हमारा, ये सारे सेम रिलेशन फॉलो कर रहे। कौन सा रिलेशन? फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड में आने के लिए प्लस टू स्टेप्स, सेकंड एलिमेंट से थर्ड स्टेप में आने के लिए भी प्लस टू स्टेप्स। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन है या फिर बी ग्रुप है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट में आने के लिए प्लस थ्री स्टेप्स लग रहे हैं और सेकंड से थर्ड में आने के लिए भी प्लस थ्री, लेकिन क्या है बाकी जो ग्रुप है, मतलब टोटल चारों ग्रुप में से ये सबसे अलग है ना, ये वाला सबसे ऑड वन है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? कहां ध्यान देना, बस आपको फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, बस कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतनी बातें करेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा कि टाइप फोर क्या कहना चाहता है ना। अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो लास्ट टाइप बच गए उसे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।